हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है। इसमें टॉप 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। 15 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैलेट डी अवर हाल ही में किसे बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों वैलेट डी अवर का जो बेस्ट अवार्ड होता है प्लेयर के लिए, वह हाल ही में लियोनल मेसी को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए लियोनल मेसी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले इन्हें 5 बार और यह अवार्ड दिया जा चुका है। आपको बता दें 2009, 10, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 अब बेलेंडी अवार्ड से लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर वहीं बात करें वुमन की कि इसमें किस प्लेयर वुमन प्लेयर को नवाजा गया है, तो इनका नाम है अलेक्सा पुटलेस। इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड बेलेंडी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का शुभारंभ हाल ही में किस जिले में किया गया है। तो दोस्तों इसका आरंभ खंडवा जिले में किया गया है। तो ऑप्शन ए खंडवा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें टाटिया भील जन्मस्थली बरोद अहिर गांव से इस क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया है। बताइए खंडवा की, तो चलिए आपको मैप में ये लोकेशन देख पा रहे होंगे, खंडवा की मध्य प्रदेश की मैप में। आपके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट खंडवा के बारे में जानते हैं, तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में खंडवा में ही होता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, नर्मदा नदी के तट पर खंडवा में ही स्थित है। अभिनेता अशोक कुमार और किशोर कुमार की जन्म स्थली खंडवा ही रही है। पुनासा बांध जिसे हम इंदिरा सागर बांध के नाम से जानते हैं, यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यह भी खंडवा में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी खंडवा में ही स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान का कर्मस्थल खंडवा रहा है। देश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। दोस्तों आपको बता दें देश का पहला जल सत्याग्रह घोगला गांव में किया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुए खंडवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2021 में कहां किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी पणजी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी में किया गया है। आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, इसका यह 7वां संस्करण था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों आजकल के जो एग्जाम है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि संस्करण कौन सा था या फिर यह किस वर्ष या कब से शुरू किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2021 का जो संस्करण है वह पणजी में 7वां संस्करण था, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स में किसे हाल ही में वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स में हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज इसका सही आंसर होगा। 2003 के वर्ल्ड कप एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता था और 2021 में इन्हें वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में योग आयोग बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में योग आयोग बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा हाल ही में की गई है। योग शिक्षा अभियान भी चलाया जाएगा, योग शिक्षा अनिवार्य की जाएगी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी योग आयोग गठित किया जा चुका है और अब मध्य प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है जहां पर योग आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों जैसा कि बात आई है मध्य प्रदेश की, तो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की है भारत के मैप में। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। 230 विधानसभा सीटें, राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। बात करें पुरस्कार की तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव, पांच, पन्ना, सतपुड़ा और वन विहार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं जलप्रपात की बात करें तो चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा ये जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। बांधों में बरगी बांध, राजघाट बांध, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और बारना ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश कुमार को हाल ही में किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक घोषित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में रजनीश कुमार को हीरो मोटर कॉर्प का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, हीरो मोटर कॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष हाल ही में विवेक जोहरी जी को बनाया गया है, ऑप्शन बी विवेक जोहरी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं वर्तमान विवेक जोहरी, और अब इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन जावाद किस तट से टकराएगा? तो दोस्तों आने वाला साइक्लोन जिसका नाम जावाद है, यह उड़ीसा और बंगाल के तट से टकराएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। दोस्तों आपको बता दें ये जो जावाद नाम है साइक्लोन का, वह सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। दोस्तों बात आई है उड़ीसा की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी, राजधानी भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 31 सीटें हैं, 21 सीटें हैं यहाँ पर उड़ीसा में। नृत्य की बात करें तो उड़ीसी यहाँ का नृत्य है बंदे उत्कल जननी, ये उड़ीसी गीत है, राज्य का गीत है। मैमल यहाँ का साभर है। वहीं बात करें पक्षी की तो भारतीय रूलर राजकीय पक्षी है उड़ीसा का। मछली की बात करें तो महानदी की महासीर जो मछली है वह उड़ीसा की राजकीय मछली है। वहीं बात करें वृक्ष की तो पवित्र अंजीर का वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। भोजन में पखाला यहाँ का प्रमुख खाना या भोजन है। तो ये आपको उड़ीसा के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इंडियन नेवी डे प्रति वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 4 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस बार जिसकी थीम रखी गई है वो आपको बता दें तो इंडियन नेवी कॉम्पैक्ट रेडी क्रिएटेबल एंड कोहेंसिव, ये थीम रखी गई है 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले इंडियन नेवी डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा एजाज पटेल। एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए हैं और ऐसा करने वाले ये दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों एजाज पटेल न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेलते हैं। आपको बता दें इसमें जो 10 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन थे, तो वह थे जिम लेकर, जिन्होंने 1956 में इंग्लैंड में, जिम लेकर हैं, इन्होंने टेस्ट विकेट में 10 विकेट लिए थे। वहीं बात करें ये दूसरे कौन है, तो भारत के अनिल कुंबले ने 1999 में 10 विकेट लिए थे। तो ये दो हो गए और तीसरे हो गए एजाज पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अलका उपाध्याय इसका सही आंसर होगा। अलका उपाध्याय जी को हाल ही में NHAI जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये 1990 बैच की MP के IAS कैडर की अधिकारी हैं, तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वयस्कों को COVID-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों COVID-19 टीकाकरण करने वाला वयस्कों के लिए पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों बात आई हिमाचल प्रदेश की, मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी, राजधानी शिमला है। यहाँ के जो गवर्नर है वह राजेंद्र विश्वनाथ आर्किलर हैं, जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल AK-203 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में कहाँ लगाया जाएगा? तो यह प्लांट भारत में कोरबा में लगाया जाएगा जो UP का एक शहर है। दोस्तों राइफल AK-203 भारत रूस की सहायता से बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें यह राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर करती है, 500,000 भारत में बनाई जाएगी। दोस्तों इसकी रेंज 600 से 800 मीटर तक है, तो इतना आपको इस राइफल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है संजय दत्त। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है, तो ऑप्शन बी संजय दत्त इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह घोषणा अरुणाचल प्रदेश ने 50वें स्वर्ण जयंती समारोह पर की है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, तो इसका
ऑप्शन डी सही आंसर होगा हॉर्नवेल, जो दोस्तों नागालैंड में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसका यह 22वां संस्करण आयोजन किया गया है। दोस्तों ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, इसका 22वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ, यह कौन थे? दोस्तों तो विनोद दुआ बहुत बड़े पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी पत्रकार इसका सही आंसर होगा। 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। दोस्तों इन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। रामनाथ गोयनका अवार्ड भी इन्हें 1986 में दिया जा चुका है। असम वैभव हाल ही में किसे दिया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा रतन टाटा। हाल ही में रतन टाटा जी को असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों असम का यह सबसे बड़ा अवार्ड है, इसमें कुल 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों 13 लोगों को असम सौरभ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और बात करें असम के गौरव अवार्ड की, तो 5 लोगों को असम गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में FISCCI यानी फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वे इंग्लिश का यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये मैंने इसीलिए आपको एक ही स्लाइड में दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दिए हैं। तो हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये है एमडी संजीव मेहता। हाल ही में एमडी संजीव मेहता को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों बात आई है फिक्की की, तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। फॉर्मेशन 1924 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष हाल ही में एमडी संजीव मेहता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की यह बैठक हाल ही में आयोजित की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में डेविस कप किसने जीता है? तो दोस्तों डेविस कप हाल ही में जो जीता है उनका नाम है रूस के डेनियल मेदवेदेव। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डेनियल मेदवेदेव जो रूस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। दोस्तों आपको बता दें यह आयोजन किया जा चुका है, आयोजन किया जा चुका है जो उड़ीसा में था। जो विनर रहा है वो अर्जेंटीना रहा है। भारत इसका विनर 2001 और 2016 में रहा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों इसका जो आयोजन है वह उड़ीसा में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो नीलमणि फूकन को हाल ही में ज्ञानपीठ का 56वां अवार्ड दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा, नीलकणी फूकन। दोस्तों 57वां अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है, यह दामोदर मौजो जी को दिया गया है जो एक कोंकणी लेखक हैं। बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो आपको बता दें ज्ञानपीठ अवार्ड जो पहला अवार्ड है वह 1965 में शंकर कुरूप जी को दिया गया था। बात करें 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो यह अक्कीतम अच्युतम नामुंदरी को दिया गया है जिनका 2021 में निधन भी हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है उनको 55वां, नीलमणि फूकन को 56वां और दामोदर मोजी को 57वां अवार्ड दिया गया है। 4.5 दिन का वर्किंग वीक शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो 4.5 दिन का वर्किंग वीक शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है UAE। ऑप्शन थर्ड सही आंसर होगा, UAE। दोस्तों ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। बात आई है UAE की, तो आप जानते होंगे इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है। राजधानी अबू धाबी है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद है। हाल ही में बिपिन रावत जी का निधन हुआ, यह भारत के कौन से CDS थे? तो दोस्तों बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इनका हाल ही में एक हवाई यात्रा के दौरान निधन हो गया है। इनका जो है हेलीकॉप्टर वह क्रैश कर गया था जिसके कारण इनका निधन हुआ हुआ और ये भारत के पहले CDS थे। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह भारतीय आर्मी चीफ थे 37वें। ह्यूमन राइट वॉलेशन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ह्यूमन राइट वॉलेशन में टॉप किया है उत्तर प्रदेश में।
तो ऑप्शन फोर इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, जिसने ह्यूमन राइट वायोलेशन में टॉप स्थान हासिल किया है। 240% केस अकेले जो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। देश के टोटल केस में 89,584 केस यूपी में दर्ज किए गए हैं। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। लखनऊ राजधानी है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 31, लोकसभा की 80 सीटें हैं। बारहसिंगा यहाँ का स्तनपायी है, पक्षी की सारा स्क्रीन है। बात करें फूल की तो पलाश यहाँ का फूल है, और वृक्ष की बात करें तो अशोक सीता, जो सीता अशोक होता है वह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन का ब्यास सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो के बिड़ला फाउंडेशन का ब्यास सम्मान हाल ही में असगर बजहल को दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, असगर बजाहत को हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ब्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इनकी रचना थी महाबली, जो 2019 में लिखी गई थी। एक और फैक्ट आपको बता दें दोस्तों, 31वां सम्मान था यह, हिंदी भाषा हेतु यह अवार्ड दिया जाता है, और जो अवार्ड है वह असगर बजाहत जी को 2021 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो दोस्तों यह जो दिन है वह प्रति वर्ष 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 10 दिसंबर। दोस्तों इस बार इसकी थीम रखी गई है वो आपको बता दें, तो इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये थीम रखी गई है मानवाधिकार दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स शक्तिशाली महिला लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों फोर्ब्स की शक्तिशाली महिला की लिस्ट में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट है। जो दोस्तों आपको एक इनके बारे में एक फैक्ट बता दें, ये अमेजोन की जो बेजोस हैं उनसे तलाक लेके ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में नाम दर्ज किया है। अगर बात करें भारतीयों की तो निर्मला सीतारमण जी 47वें स्थान पर हैं। बात करें रोशनी नाडार जी की तो 52वें स्थान पर हैं। और बात करें सेकंड स्थान पर कौन है, तो कमला हैरिस जो यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं यह है दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेक्स का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो यूनेक्स का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यंग जियो प्रैक्टिकल साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में यंग जियो स्पेक्टिकल साइंस अवार्ड से रूपेश गोयल को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन फोर सही आंसर होगा, रूपेश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरेन इंडिया की 500 कंपनी में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसमें रिलायंस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हुरेन की जो लिस्ट आती है उसमें 500 कंपनियों की भारतीय लिस्ट में रिलायंस टॉप स्थान हासिल किया है। दोस्तों इसकी जो ब्रांड वैल्यू या कंपनी की कीमत है वह करीब करीब 16.7 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो मानव रहित मिशन कब लॉन्च करेगा? तो दोस्तों 2022 में इसरो मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें एक रोबोट जाएगा जिसका नाम वायुमित्र रखा गया है। ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वो रोबोट का नाम है वह है वायुमित्र। दोस्तों भारत जो इसरो है वह सौर मिशन 2022-23 तक रखा है। अंतरिक्ष स्टेशन भारत 2030 तक एस्टेब्लिश करेगा, ये इसरो के द्वारा हाल ही में बताया गया है। अगर बात करें गगनयान की तो 2023 तक भारत के द्वारा गगनयान प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भोपाल का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए मकरंद देवकर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें भोपाल और इंदौर इन दोनों शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तो भोपाल के तो पुलिस कमिश्नर हो गए मकरंद देउस्कर। बात करें इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, तो हरि नारायण चारी मिश्रा, इन्हें इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन के द्वारा किस संस्थान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है? तो यूएन के द्वारा दोस्तों हाल ही में आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अभी आईएसए है क्या, चलिए आपको इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। इसका फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था, लेकिन इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वह गुरुग्राम भारत के हरियाणा में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वह अजय माथुर हैं। दोस्तों 101 मेंबर इसमें ऐड किए जा चुके हैं, और 101वां जो मेंबर ऐड हुआ था
हमारे आईएसए में वह था यूएसए। तो ये आपको इतना याद रखना है आईएसए के बारे में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस नहर का नाम सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रखा गया है। दोस्तों यह यूपी के बलरामपुर में योजना शुरू की गई है। केन वेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच बनाई गई है? तो दोस्तों केन वेतवा लिंक परियोजना भारत और सॉरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बनाई गई है। ऑप्शन फोर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो लागत है इसकी वह 44,605 करोड़ रुपए आंकी गई है। 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस इंटरलिंक परियोजना के द्वारा होगा और यह परियोजना खासकर मध्य प्रदेश और यूपी के जो आप बुंदेलखंड वाला एरिया है उसमें लाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इस पर मेल कर सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।